हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौंद उपमंडल के गांव माजरा प्याऊ पर सतरौल खा पंचायत की ओर से चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह और नारनौंद से जजपा विधायक रामकुमार गौतम माजरा प्याऊ पहुंचे और उन्होंने वहां पर सतरौल खा पंचायत के चबूतरे की नींव रखी। इस दौरान भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने अपने सांसद कोटे से 21 लाख रुपए और विधायक रामकुमार गौतम ने भी 21 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। विधायक और सांसद का ग्रामीणों की ओर से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि गांव के सहयोग से चबूतरे का निर्माण किया जाएगा और यहां पर चबूतरे के साथ साथ बच्चों के लिए लाइब्रेरी, एकेडमी, कम्युनिटी सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर एक भव्य इमारत का भी निर्माण किया जाएगा जिसका उपयोग इलाके के लोगों और उनके बच्चों के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य में सभी समुदाय के लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है यहां पर बहुत अच्छी चीज बनेगी। भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने के बारे में कहा कि मैं उनके साथ हूं और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि यहां पर कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं खिलाड़ियों के साथ हूं। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। देखिए, बहुत मौके की जमीन है जो पंचायत ने दी है और सतरौल का में जिस प्रकार से लोगों ने अपना योगदान दिया है, निजी तौर पर दिया हो या गाँव के हिसाब से दिया हो, तो मुझे कोई शक नहीं है कि एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। चबूतरे के साथ साथ जो और जो सुविधाएं हैं, जैसे लाइब्रेरी है या एकेडमी खोलने की बात है, तो सारी ये आगे की सोच के हिसाब से है और उम्मीद यही है कि बहुत एक भव्य इमारत यहाँ पे बने और जिसका उपयोग जो है वो इलाके के लिए, इलाके के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए उसका उपयोग हो। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो भागीदारी है, जन भागीदारी, वो बड़े व्यापक स्तर पे है, तो जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी एक चीज़ बनेगी यहाँ पे और उसका भरपूर इस्तेमाल होगा। जी, इस कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा था कि भाई खिलाड़ियों के समर्थन में खिलाड़ियों को बुलाओ या फिर बीजेपी के सांसद में मत बुलाओ, इसको किस रूप में देख रहे हैं? वो तो देखिए जी, हमारा बड़ा क्या बोलूँ मैं, बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, तो हर आदमी को अपने विचार की अभिव्यक्ति है। तो खाप तो वैसे ही एक डेमोक्रेटिक संस्थान है क्योंकि सारे जो इलाके के लोग हैं वो उसमें बैठ के और उसके बाद फैसला करते हैं किसी भी बात का। तो एक दो लोग शायद रहे होंगे जिन्होंने इसका विरोध किया, मैंने अपने भाषण में भी उस बात का जिक्र किया था क्योंकि मेरी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे उसके बारे में पता लगा था, लेकिन जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि पूरी खाप के जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ मौजूद थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हम ये है जी, समाज को इकट्ठा रखने में, समाज को जोड़े रखने में बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका योगदान होता है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका योगदान होता है और खाप उन्हीं संस्थाओं में से एक है क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनमें विश्वास रखते हैं और जो उनके कहे का मान भी रखते हैं और समय समय पर खापें जो हैं वो समाज की जो संरचना है उसको किस प्रकार से बनाए रखा जाए या उसमें किस प्रकार की कोई नई चीज़ लाई जाए उसमें भी वो अपना योगदान देती हैं। तो एक जो कानूनन स्थिति है उससे थोड़ा सा हटके एक सामाजिक स्तर पे बहुत सी चीज़ों का निराकरण जो हो सके उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। नहीं नहीं, नौकरी सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है। और जो व्यवस्था अब हमारे देश में बनी है पिछले 25 साल में, निजीकरण जो है, निजी क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है और जो आगे बढ़ने के ज़िंदगी में जो आयाम हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे हैं। अब सरकारी नौकरी की बात करें तो आप फ़र्ज़ करो सिविल सर्विसेज की बात कर लो, कितने लोग होते हैं, 1200, 1400, 1500, स्टेट सिविल सर्विस इंक्लूड कर लो तो 50 और जुड़ जाएंगे। तो वो ठीक है कि बहुत लोग हैं जो उस प्रयास में हैं क्योंकि ये उच्च श्रेणी की नौकरियां मानी जाती हैं, लेकिन आम जन साधारण हर व्यक्ति तो वहां ना पहुंच सकता ना उसकी कोशिश करता। तो उसके लिए कहना ये है कि व्यापक स्तर पर जो रोजगार है वो अब ज़्यादा निजी क्षेत्र में है और वहाँ पे आदमी की कोई काबिलियत होना, कोई कुशलता होना उसके पास, वो बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए मैंने कहा कि
गणित विज्ञान और मेरे हिसाब से अंग्रेजी का ज्ञान, ये तीन चीजें निजी क्षेत्र में कामयाब होने की शुरुआती चीजें हैं। इसके ऊपर आदमी को काम करना चाहिए। और मैं तो जहाँ भी जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं जहाँ समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, मैं इस बात को हर स्टेज से बोलता हूँ कि अब आप पहले वाला जमाना मत सोचिए कि 10वीं 12वीं कर ली और उसके बाद रोजगार के लिए धक्के खाना शुरू कर दे। उससे बेहतर ये है कि कोई किसी स्किल में यदि उसकी काबिलियत अगर बनती है तो वही एक रास्ता है। इलेक्शन लड़ा पिछला इलेक्शन, इसमें भी मैं इसके खिलाफ था, जितना नुकसान पहुंचा सकता था नुकसान पहुंचाया, इसका फायदा नहीं किया, क्योंकि जो आया सिर्फ नारायणों नलके में और उसका कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी बना हूं, आप लोग तो बने ही हो जिन लोगों ने उस वक्त दुष्यंत का साथ दिया। और भाई सबसे बड़ा जो गुना मैंने किया है, सबसे बड़ा गुना, मैं एमएलए बनता ना बनता कोई खास बात नहीं थी, मेरे जैसे का एमएलए बनना ना बनना एक ही बात है। एमएलए कई लोग पूछ लेते हैं यदि आप एमएलए हो, बोला भाई एमएलए अगर कह तो विरोधी पक्ष का हो और कह राजकाज का हो जिसका साकी राज में हिस्सा हो, हम तो भाई कहीं के भी ना राज के ना काज के और ना ही विरोधी पक्ष में। मैं एमएलए बनता ना बनता, लेकिन वीरेंद्र सिंह का बहुत बुरा, इसकी मम्मी का वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नुकसान किया मैंने। आपको याद हो 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने इलेक्शन लड़ा था इसके पिताजी के खिलाफ, तो वीरेंद्र सिंह के खिलाफ 600-700 वोट से जीता था। इसका तो मैंने ऐसा कुकर्म करा दिया, 47,000 थे इसकी मार। उचाना हल्के में इसकी मां से आ रहा था दुष्यंत, उचाना हल्के में, और उचाना हल्के में विजेंद्र से आ रहा था, और वही सब 47,000 वोट रिकॉर्ड तोड़ जीत से जीत लिया। उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी गुनाहगार, मेरे जैसे मिलने की लोड कैसी बनाने की बताओ। लोग आते हैं जी मेरा छोरा लुआ दे, भाई इसको दो पास पढ़ेंगे वो लगेंगे, भाई इसे एमएलए की इसे मेरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब तो ये है जो पढ़ेगा वो लगेगा, भाई मैं देखता हूँ पटीदार भी नुके चोर ने इसने डिग्गी में पौधे कड़े कड़े पौधे किसने पौधेगा। एक बात इस सरकार की मैं अच्छी भी समझता हूँ, पहले जितने राज रहे थे बीजेपी श्री थी उसकी, उसमें जो देवीलाल का राज रहा, चौधरी बदनलाल का राज रहा, तो बंसीलाल का राज रहा, लेकिन भाई लिस्ट बना करती बोला लिस्ट में तेरी में नाम तो ढादे पीछे की बात मैं आपके कर दूंगा। लोग पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, राजनेता के पीछे घूमते थे। भाई खट्टर साहब ने और के में करा ना करा, लेकिन नेताओं का प्रेरणा छुटा दिया। जो पढ़ेगा वो लगेगा, इसलिए भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, किसी राजनेता के साथ घूमने की जरूरत नहीं कतई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।